मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के हिंदू समाज का जो शमशान भूमि है वहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सिलेंडर चोरी का मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक मशीन है, जो यहां पर शव आते हैं इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा जो जलाया जाता है, वहां पर सिलेंडर का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी जानकारी सामने आई कि करीब 22 गैस सिलेंडर यहां पर आते हैं, लेकिन इसमें से 3 सिलेंडर जो है, ऐसी भी खबरें मिली कि हर महीने 3 सिलेंडर यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जो मनपा को बताया जाता है कि यह 22 सिलेंडर वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 सिलेंडर यहाँ से गायब बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जो ये शमशान भूमि है ये मनपा के अधीन है, लेकिन करीब 1.5 से 2 घंटे हम लोगों को यहाँ पर आए हो गया है, लेकिन मनपा का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। किससे संपर्क किया जाए, किससे बात किया जाए, किससे जानकारी लिया जाए, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मनपा के अधिकारी हैं वो कोई भी यहाँ पर नहीं। आपको बताएंगे कि ये आप यहाँ जो ये शमशान भूमि देख रहे हैं, यहाँ पर जो है लकड़ियों से जलाया जाता है, और बहरहाल जो इलेक्ट्रिक जो मनपा का है, इलेक्ट्रिक से जलाने का जो यहाँ पर मशीन लगाया गया है वो यहाँ पर है, लेकिन आप देखेंगे शटर बंद है। जो सुपरवाइज़र हैं वो भी यहाँ से नदारद है, और जो इलेक्ट्रिक मशीन के जो ऑपरेटर, जो यहाँ पर ऑपरेटर है मशीन के, वो लोग यहाँ से गायब हैं। इनके मोबाइल नंबर ये है, इनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर 3 गैस सिलेंडर वो यहाँ से जो है गायब है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि हर महीने जो है यहाँ पर 22 सिलेंडर आते हैं, और उसमें से 3 सिलेंडर जो है गायब हो जाते हैं, और मनपा को पूरी जानकारी दी जाती है कि 22 सिलेंडर इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर प्रवीण मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। दरअसल आपका क्या नाम है? अमन कौर। इन्होंने ही इस पूरे मामले का जो है उजागर किया है, प्रवीण। इन्होंने ही अमूल, इन्होंने ही जो है प्रवीण को बताया, उसके बाद इन्होंने हमें जानकारी दी। प्रवीण से बात करेंगे कि जिस तरह से करीब 1.5 से 2 घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पर आए, लेकिन मनपा का कोई भी यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है या फिर जो कर्मचारी है वो यहाँ से नदारद हैं। और आप लोग बता रहे हैं कि 22 सिलेंडर यहाँ पर आता था, लेकिन 3 सिलेंडर उसमें से गायब हैं। मुझे मेरे भाई अमोल पवार, जो हमेशा समाज कार्यों में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है, तो मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने हमारे भाई सनामुद्दीन खान और रफीक चाचू, इनको भी यहाँ पे बुलाया, तो हम लोग ने देखा जाके कि 22 सिलेंडर आते हैं यहाँ पे। हम लोग एक रिकॉर्डिंग भी अमोल भाई के पास है, जो उन्होंने अधिकारियों से, सुपरवाइज़र से बात की थी, उसमें ये साफ दिखाई सुनाई दे रहा है कि 3 सिलेंडर उन्होंने 15 दिन से गायब है। वो सुपरवाइज़र उनको कह रहा है कि नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं वो ला के रखता हूँ, ये करता हूँ। तो ये सुनने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 कर्मचारी यहाँ पे थे। उनको पूछा आपके सुपरवाइज़र किधर है, वो बोलते सुपरवाइज़र गए, 2 घंटा हुआ 3 घंटा हुआ, मतलब यहाँ पे आते हैं ऑन ड्यूटी, कोई इधर है नहीं है। उसके बाद में उनको बात किया तो वो बोलते हम लोग अमृत इंटरप्राइजेस के वर्कर हैं, हम खाली ये जो लकड़े से जलाने वाला प्रक्रिया है वो देखते हैं। तो उनके सुपरवाइज़र जो है वो आए यहाँ पे, वो भी कर्जत घर जा रहे थे, कर्जत अपने, तो आधा रास्ते से वो रिटर्न आए। तो मतलब ये ऐसा दिख यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस पूरे स्मशान पे कोई भी प्रशासकीय अधिकारी का कोई भी इस पर पकड़ नहीं है, या कोई भी ध्यान नहीं है, सब लापरवाह। हाँ, लापरवाही का नतीजा यह है कि कोई भी कर्मचारी नहीं है, सिलेंडर गायब हो रहा है। मनपा के अधिकारी भी जो है उनकी भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही है कि वो जानकारी नहीं ले रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ। कि मनपा के जो कर्मचारी वो हैं यहाँ नहीं है, क्या कर रहे हैं, इसकी डिटेल वो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि गृह निर्माण मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवड़ साहब है, इन्होंने इतना पैसा खर्चा करके जो इलेक्ट्रिक दहवाइनी जो कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक तरीके से बॉडी को जलाया, मतलब जलाया जाता है, तो वो बनाया, इतने पैसे खर्च करके इतना अच्छा बनाया। उसके वहाँ पे TMC ने 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2 कर्मचारी रखे, और उस 2 कर्मचारी के ऊपर TMC के शेलार करके जो एक है वो सुपरवाइज़र है, शेलार सुपरवाइज़र। हाँ, वो फोन पे संपर्क किया आपने उनसे? संपर्क कर रहे हैं, शेलर का फोन नहीं लग रहा है। दो जो आदमी है कर्मचारी, उनका भी फोन नहीं लग रहा, दोनों कर्मचारी भी इधर नहीं है ना, शेलर भी इधर नहीं है, और वो बंद पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी आती है तो क्या 2 मनपा के और किसी बड़े अधिकारी से आपने बातचीत किया?
तो मैडम का नाम क्या था? कापड़ ने मैडम। कापड़ ने मैडम को फोन किया था, तो कापड़ में मैडम बोलते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, उन्होंने किसी और का नंबर दिया, मतलब ये सिर्फ इसके हाथ अंडर है, उसके अंडर है, ये बोलते हैं मैं कर्मचारी हूँ, वो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर बोलता है, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ गुमराह करने का ये चल रहा है। अगर कोई डेड बॉडी यहाँ पे आती है तो 2 से 3 घंटा उनको रखना पड़ेगा, कर्मचारी आएगा फिर उसको जलाया जाएगा, फिर मतलब ये। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो है 3 सिलेंडर यहाँ से गायब है, उसका कुछ सबूत है आपके पास, प्रूफ है? यहाँ पे ये हमारे भाई अमोल पवार जो यहाँ पे काम कर चुके हैं तो उनको मालूम है और यहाँ पे रजिस्टर भी है कि, पर यहाँ के कर्मचारी हमको दिखा नहीं रहे, वो बोल रहे सुपरवाइजर आएगा तब आप देखो, पर रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा है कि वो कर्मचारी कह रहा है कि हाँ 22 सिलेंडर थे, उसमें से 3 सिलेंडर गायब है, मैं ला के रखता हूँ, आप इस चीज़ का बवाल मत करो, कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। अच्छा, किसने बात किसने किया था? अमोल पवार, हमारे भाई अमोल पवार। अच्छा, आपने बात किया था, क्या रिकॉर्डिंग में क्या कहा उन्होंने? रिकॉर्डिंग में ये बात हुई कि यहाँ पे जो परचेस किए थे, तो जो महापालिका ने जो परचेस किए थे 22 सिलेंडर थे, 22 सिलेंडर के बाद उसमें क्या हुआ कि 19 सिलेंडर अभी अवेलेबल है इधर, तो 3 जो गायब है, उसके बाद में मैं उसके बात किया उससे, जो क्या नाम है आपने जिससे बात किया उसका नाम, लोग ने से बात किया, तो यहाँ पे जो 22 सिलेंडर आए थे, 22 सिलेंडर में अवेलेबल खाली 19 है इधर, तो 3 सिलेंडर यहाँ पे गायब है, तो गायब पे उसके बाद में पूछा कि, तो उसने पूछा मेरे को ये बताया कि यहाँ पे सिलेंडर जो गायब थे वहाँ पे वापस वो अवेलेबल होएंगे, मगर अवेलेबल होने के बाद इधर से जो जाने वाले सिलेंडर जो थे वो कौन लेके गए, दैट इज प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू TMC, मगर यह TMC को जो प्रॉपर्टी है तो TMC की प्रॉपर्टी बाहर कैसे जा सकती है, यहाँ पे हम टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर होने के बाद ये प्रॉपर्टी जो खड़ी हुई तो टैक्स पेयर की वजह से हुई, तो यहाँ से सिलेंडर कोई ये नहीं कर सकता कि आपने पर्सनली इसके यूज़ कर सकता है। क्या नाम है आपका? मंदार दस्तूरे। मैं पहली बार तो ये जो यहाँ पे हुआ है उसका बहुत निषेध करता हूँ और इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जो मुमरा में हिंदू स्मशान भूमि का जो हालत है, ये TMC के प्रशासन ने जो हालत किया है उसके लिए उनका बहुत मैं निंदा करता हूँ। ये जो मशीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लगा चुके हैं, यहाँ पे एक कम से कम 1 साल हुआ लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्टर दिया यहाँ पे लेकिन कोई वर्कर नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे जो पब्लिक है उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। दूसरी बात मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये अमोल पवार जो है यहाँ पे काम करता है, लोगों के लिए 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहता है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र किया गया, अगर ये बंदों को यहाँ पे नहीं वापस लिया तो हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये महानगरपालिका को बोलना चाहता हूँ और उसका बहुत एकदम कड़े आंदोलन करेंगे और इसको यहाँ पे अगर जॉब को इसको कोई धोखा हुआ तो हम TMC अधिकारी और कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ेंगे नहीं, इतना ही बोलना था। प्रवीण भाई, मुमरा कौसा रेती बंदर से लेके और मुमरा कौसा के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो यहीं पर आते हैं, इकलौता ये मुमरा कौसा का शमशान भूमि है, यहीं पर जलाया जाता है, लेकिन अभी ये हालात यहाँ के हैं, इसको लेकर आप कह रहे हैं कि जो है हमारे आवार साहब ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन आप हालात देख रहे हैं कैसा है? नहीं, हालात बनाया तो है, अवार्ड साहब ने अच्छे से पूरा निधि यूटिलाइज करके बनाया हुआ है, पर TMC प्रशासन ने जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है, ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है कॉन्ट्रैक्ट पे है या मनपा के अधीन, कौन चला रहा है ये? मनपा ने बनाया है पर उसके ऊपर वारे करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिया हुआ है, उसने 2 कर्मचारी भी इधर रखा है, वो कर्मचारी के नंबर भी यहाँ पे, पर कर्मचारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसमें TMC ने जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया है उसको वो जिम्मेदार। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो संगठन है बौद्ध उपासक उपासिका संस्था, हमने 7-8 साल पहले यहाँ पे एक हाथगाड़ी जो आती है जो शब्द वाहिनी कहते हैं उसको, वो हमने हमारी संस्था की ओर से डोनेट की थी और वो हाथगाड़ी भी यहाँ से चोरी हो गई थी, फिर हम लोग ने इस पर मुद्दा उठाया तो फिर यहाँ के कर्मचारियों ने पैसा निकाल के हमारे अमोल भाई ने इसमें कंट्रीब्यूट करके वो बना के फिर दे दी, पर ये हादसा बार बार हो रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है पर कोई सिक्योरिटी गार्ड, आप भी 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, कोई जगह पे नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आ रहे और सैलरी ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे। और जो हमारा तो ये मांग है, अभी कल हम लोग लेटर बना के जो AMC सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब है उनसे हम लोग मिलने वाले हैं, उनको लेटर देने वाले हैं कि आने वाले 2 दिन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर वारे और जो दो कर्मचारी है कॉन्ट्रैक्ट बेस के, उनके ऊपर अगर FIR नहीं हुआ तो हम लोग TMC ऑफिस MM वाली का जो है उसके बाहर आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना कि जो प्रवीण पवार है उनका आरोप है कि इस शमशान भूमि से जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर शव जलाया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा शव जलाया जाता है, वहाँ से 3 सिलेंडर जो है, इनका आरोप ऐसा है कि 3 सिलेंडर यहाँ से गायब है। बहरहाल कौन सिलेंडर लेके गया, कौन यहाँ से उठा के ले गया, ये अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है और आपका प्रहार टाइम्स इसकी पुष्टि भी नहीं करता है कि क्या यहाँ से सिलेंडर चोरी हुआ या नहीं हुआ है। ये जो
शिकायत करता है, इन लोगों का आरोप है।